आज की पहली अपडेट आ रही है अल्लू अर्जुन की मस्त अवैध फिल्म पुष्पा 2 को लेकर, जिसका इंट्रो या यू कहे तो फर्स्ट ग्लिम्स आउट हुआ है। और इसका टाइटल है वेयर इज पुष्पा, लेकिन इसमें सिर्फ अल्लू अर्जुन का इंट्रो आउट हुआ है, टीजर और ट्रेलर आना भी बाकी है। आज अल्लू अर्जुन का बर्थडे था इसलिए इंट्रो आउट हुआ है, लेकिन एक बात तो कन्फर्म है कि भौकाल तो होगा, वो भी बड़ा वाला। सो इस मूवी को लेकर कितना एक्साइटेड हो कमेंट बॉक्स में बता देना, और अगर कुछ अपडेट आती है तो हम बता देंगे। और हाँ, इसका हिंदी इंट्रो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, अगर नहीं देखा है तो जा करके देख सकते हो। नेक्स्ट अपडेट आ रही है शाहरुख खान की सुपरहिट फिल्म पठान को लेकर, जिसका सीक्वल बनने वाला है और उसका नाम होगा टाइगर वर्सेस पठान, जिसमें शाहरुख खान के साथ सलमान खान दिखने वाले हैं। हालांकि पठान में भी शाहरुख के साथ सलमान दिखे थे, लेकिन कुछ क्षणों के लिए, और अब ये दोनों पूरी फिल्म एक साथ दिखेंगे। भाई कसम से बॉक्स ऑफिस में आग लग जाएगा, लोग पागल हो जाएंगे। लेकिन यार इसमें अभी बहुत टाइम है, क्योंकि अगले साल जनवरी में ही इसका शूटिंग स्टार्ट होगा, यानी 2025 तक देखने को मिलेगा। लेकिन फिर भी हम इतना वेट कर लेंगे, क्या तुम कर पाओगे या नहीं कमेंट बॉक्स में बता देना, और हाँ अगर कुछ अपडेट आती है तो हम बता देंगे। नेक्स्ट अपडेट आ रही है अखिल अकिनेनी को लेकर, जिनका आज बर्थडे है, और बर्थडे के दिन ही अखिल अकिनेनी की मोस्ट अवेटेड फिल्म एजेंट का नया पोस्टर और अखिल अकिनेनी का इंट्रो आउट हुआ है। सो फिल्म की बात करें तो एक एक्शन थ्रिलर होगी, जिसमें अखिल अकिनेनी के साथ ममूती और साक्षी वैद्या लीड रोल में होगी। तो वहीं से सुरेंद्र रेड्डी ने डायरेक्ट किया है। अब बात करें इसके रिलीज डेट की, तो फिल्म 28 अप्रैल को पैन इंडिया रिलीज होगी, यानी हिंदी में भी देखने को मिलेगा। सो इस मूवी को लेकर कितना एक्साइटेड हो कमेंट बॉक्स में बता देना। नेक्स्ट अपडेट आ रही है ऋतिक रोशन की सुपरहिट फिल्म वार को लेकर, लेकिन अब खबर आ रही है कि वार 2 भी बनने वाला है, और इसका पूरा डिटेल अपने पिछले वीडियो में बता दिए हैं, अगर नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, जाकर के देख सकते हो। अब आते हैं अपने टॉपिक पर। सो वार 2 में ऋतिक रोशन के साथ जूनियर NTR भी दिखेंगे, और रिपोर्ट के माने तो उन्होंने इसके लिए 100 करोड़ की मांग की है। तो वहीं आयान मुखर्जी इसे डायरेक्ट करने वाले हैं, मतलब एक बार फिर से बॉक्स ऑफिस पर आग लगने वाली है। सो इस मूवी को लेकर कितना एक्साइटेड हो कमेंट बॉक्स में बता देना, और कुछ अपडेट आती है तो हम बता देंगे। इसी के साथ आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।